भगवान ने आमा शक्ति शरीर धारण किया जिसके दो भाग हुए, पहला भाग हुआ स्वयंभू मनु और दूसरा भाग हुआ शत्रुपा। मनु और शत्रुपा दो भाग हुए, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। इनकी तीन कन्याएं पैदा हुई, आकुति देवहूति और प्रसूति, और दो पुत्र पैदा हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु शत्रुपा के तीन कन्याएं। अच्छा एक बात बताओ, कल मैं कह रहा था ना, लड़का पैदा हो जाए तो अम्मा की अम्मा मर जाए, लड़की पैदा हो और लड़का पैदा हो तो सबसे ज्यादा खुशी मम्मी को हो ना हो, बूढ़ी अम्मा को जरूर होती है, कहा भयो नाती भयो। लेकिन सृष्टि में सबसे पहले ही लड़कियां पैदा हुई, आकुति देवहूति और प्रसूति, तीन कन्याएं पैदा हुई। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में किया, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इन्हीं से ये सारा संसार भरा पड़ा है। मनु शत्रुपा से ब्रह्मा जी बोले कि आप जाकर के अपनी जैसी संतान पैदा करो। जब ये कह दिया अपनी जैसी संतान पैदा करो, कहने लगे प्रभु संतान कहां पैदा करें, पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी को तो हिरणाक्ष नाम का दैत्य चुरा करके ले गया। देखते देखते भगवान ने एक रूप धारण किया और वरा का रूप धारण करके भगवान रसातल में गए और पृथ्वी को अपनी सूंड पर रख करके ला रहे थे, शूकर का रूप धारण किया, और जब लेकर के आ रहे थे तो बीच में ही हिरणाक्ष नाम का दैत्य मिल गया जो हिरणाकश्यप का भाई था। दोनों का घमासान शूकर क्षेत्र सोरो में युद्ध हुआ और देखते देखते भगवान ने वरा ने हिरणाक्ष का वध कर दिया, तभी से वो हिरणाकश्यप दुश्मन बना हुआ था, मार दिया, पृथ्वी को ला करके स्थापित किया और मनु शत्रुपा से कहा जाओ अब अपनी जैसी संतान पैदा करो। एक बात मैं आपसे कहूं, ये हिरणाक्ष नाम का दैत्य इतना बड़ा राक्षस बलशाली कैसे बन गया? अब देखो ये आपके विषय की बात है, मैया ध्यान दो और भैया आप ध्यान दो। एक बार माता अदिति कश्यप ऋषि के पास में गई और अदिति माता कहने लगी प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। उस समय संध्या का समय था, शाम थी। कश्यप ऋषि बोले देवी संध्या के समय में जो पुरुष विषय भोग पत्नी के साथ में करते हैं उनसे होने वाली संतान राक्षस पैदा होती है। खूब मना किया लेकिन ये कामी इतनी थी मानी नहीं, तो उन्होंने कहा देखो पत्नी, कश्यप अदिति से कहा अदिति संध्या के समय में चार काम नहीं करने चाहिए। कौन से? पहला भोजन कभी मत करो, भोजन करो तो बेस का काम करेगा, राक्षस का काम करेगा, राक्षसी भोजन हो जाएगा। दूसरा मैथुन, पत्नी के साथ में संपर्क। तीसरा निंद्रा, सोना नहीं चाहिए। आपने देखो सोने के बारे में तो सब लोग जानते हैं ना, शाम है जाए तो बूढ़ी अम्मा कहीं लाला जगा दे, शाम है गई, शाम को सोबत ना आए। तीन कर्म हुए और चौथा कर्म बताया स्वाध्याय, कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए संध्या के समय, सिर्फ भजन करना चाहिए। कश्यप ऋषि कहने लगे देवी इस समय अगर अवैधान लोगी तो राक्षस पैदा होगा, लेकिन ये नहीं मानी, वरदान दे दिया। कहने लगे जाओ राक्षस पैदा होगा, चरणों में लटकी, महाराज गलती हो गई। बोले पुत्र तो तुम्हारे राक्षस होंगे लेकिन तुम्हारा नाती भगवान का अनन्य भक्त बनेगा, ये कश्यप ऋषि ने कहा। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, अब आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। इधर जब ये हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष पैदा हुआ, भयानक अपशगुन होने लगे और भयानक अपशगुन हुए तो आपने देखा है भगवान का साप लगा हुआ है इसे। अब आगे मैं कथा का प्रसंग कहूं, मनु शत्रुपा ने तीन कन्याओं को जन्म दिया, आकुति देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में कर दिया और यह शर्त रख दी गई कि जो भी बालक पैदा होगा उसको हम ले लेंगे। जुड़वा पुत्र और पुत्री पैदा हुए जिनका नाम रखा यज्ञ और दक्षिणा, ध्यान दो यज्ञ और दक्षिणा। यज्ञ को मनु महाराज ने ले लिया और लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री को दक्षिणा को शत्रुपा को दे दिया। इसी यज्ञ के साथ में दक्षिणा बहुत जरूरी है, चाहे वो लौंग ही क्यों ना हो भैया। अब इनकी दूसरी बेटी देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और इनकी नौ कन्याएं पैदा हुई। मनु महाराज की दूसरी बेटी है देवहूति जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में नौ कन्याएं पैदा हुई। पहली कन्या का नाम है कला, यानी मनु महाराज की नातनी। पहली कन्या का नाम कला और दूसरी है अनुसुईया। अनुसुईया की विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ और कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ में हुआ।
अब अनुसुईया भारत भूमि की कितनी बड़ी पतिव्रता है। ब्रह्मा जी का यह आदेश था कि जो भी पैदा होगा अपनी जैसी सृष्टि को पैदा करेगा, मेरी सृष्टि बढ़ जाए। अनुसुईया तो पतिव्रता है, सृष्टि कैसे पैदा करें? तो सज्जनों, एक बार निर्विंद्या नाम की नदी है, निर्विंद्या नाम की नदी, अत्रि मुनि ने अनुसुईया को तप करने के लिए भेजा। ये तपस्या कर रही है कि कोई पुत्र पैदा हो, और जब तप करने भेजा तो देखा भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैया क्यों चिंता करती, हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। शिवंश से दुर्वासा और विष्णुवंश से दत्तात्रेय और ब्रह्मांश से सोम अर्थात चंद्रमा, अनुसुईया के पुत्र थे, वरदान दे दिया। इधर भारत भूमि की सबसे बड़ी